हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 विषय अंग्रेजी का लेसन नंबर 10। इससे पहले कि मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिए हैं, आप चैनल पर जाकर खुद प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वी ऑल मेक मिस्टेक्स। ठीक है, हम सभी जो है मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते ही हैं। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है बच्चों, देखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको चार में से एक ऑप्शन चुनना है और लिखना है। पहला क्वेश्चन है 60 मिनट मेक हावर, है ना। तो 60 मिनट, ठीक है, कितने घंटे बनाते हैं? 60 मिनट मिलकर एक घंटा बनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा C1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द बॉय गिव्स ए स्माइल टू द, तो जो लड़का है उसने स्माइल दी, किसको दी? तो इसकी दी बी पासरवाई। पासरवाई मतलब राहगीर, जो गुजरता है, तो राहगीर गुजरने वाले को उसने स्माइल दी। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। इनके आंसर देना है वन और टू वर्ड में, यानी शब्द में आपके इसके आंसर देना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? राइट द नेम ऑफ फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, मतलब साल के यानी वर्ष के चौथे महीने का नाम लिखना है। तो जैसा आप सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ हमने लिख दिया द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज अप्रैल। ठीक है, अप्रैल जो है फोर्थ मंथ है, चौथा महीना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन ए मिनट, मतलब एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 60 सेकेंड इन ए मिनट, यानी एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, देखो इधर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इन पूरे सेंटेंस में आपको पंचुएट करना है, यानी जो चिन्ह है वो लगाने हैं उचित। देखो पूरा जैसा है वैसा ही लिख देना है, ठीक है, बस यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाना है। इसमें भी जैसा है वैसा ही लिख देना है, बस यहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, राइट द मिसिंग लेटर्स, यहाँ पर मिसिंग लेटर ट्यूजडे TUESDAY, सैटरडे SATURDAY, ठीक है। तो यहाँ पर आप मंगलवार और शनिवार लिखा है, तो व्हाट, अच्छा यहाँ पर क्या दिया गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 or 4 sentences, 3 या 4 sentence में आपको इसके आंसर देना है। तो देखो व्हाट इज टाइम पीसेस, देखो ए वॉच ऑन द टेबल इज ए टाइम पीसेस, जो घड़ी दीवार पर नहीं, जो टेबल पर रखी जाती है उसे बोलते हैं टाइम पीसेस। ठीक है, एट व्हाट टाइम हैड द पासर बाई टू कैच द बस, पासर बाई ने राहगीर जो है उसने कितने बजे बस पकड़ी? द पासर बाई कैच द बस एट 10:30, ठीक है, यानी 10:30 बजे लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम ऑफ एनी 4 month ऑफ द ईयर, किसी 4 महीनों के नाम लिखो, कोई भी जो आपको आते हैं वो लिखो। जैसे यहाँ लगा मई, जून, जुलाई, अप्रैल, तो आपको जरूरी नहीं है कि क्रम से लिखना है, कोई भी 4 महीनों के आपको नाम लिखना है। गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अपोजिट में विलोम शब्द लिखना है, तो ओपन का हो जाएगा क्लोज और स्लो का हो जाएगा फास्ट। ठीक है, बंद का खुलना और धीमे का तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम, लुक एट द मतलब आपको घड़ी देखकर समय बताना है। तो इसमें देखो कितना है, इसमें है इट इज़ 10 o'clock, 10 बज गए, है ना। नेक्स्ट क्या है, इट इज 11:30, मतलब यह जो है आपका 11:30, मतलब कि 11:30 इसमें आपके बज गए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ क्या है देखते हैं, इसमें आपके इट्स 12:15, यानी 12:15 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ 2:30, इधर 2:30 बज गया, 2:30। ठीक है, अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है राइट 5 sentences अबाउट योर डेली रूटीन, आपके डेली जो दैनिक दिनचर्या है आपको उसके 5 sentences बनाना है। यह जो बॉक्स में दिए गए हैं इन्हीं वर्ड की सहायता से यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो देखो पहला है आई गेट अप 7 o'clock, ठीक है, ये तो भरा है। नेक्स्ट आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। उठ के आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई टेक डिनर, है ना, एंड आई गो टू बेड, और सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। आप मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डॉग, माई डॉग,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।